कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनको देखने से पहले तुम्हारे मन में बहुत ही ज्यादा उम्मीद होती है कि ये मूवी तो भैया फाड़ने वाली है और एकदम बवाल टाइप होने वाली है, लेकिन देखने के बाद भैया ये सारी बातें जो है ना अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा होता है। तो एक ऐसी ही मूवी देखिए, ओनली नाम से, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया भाई। ये एक साइंस फिक्शन और रोमांटिक मूवी है बॉस। तो चलिए बिना स्पॉइल किए हुए इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है कि भैया एक वायरस फैल चुका है जिसकी वजह से सिर्फ औरतें ही मर रही हैं और बहुत ही कम औरतें बचती हैं। तो फोकस करती है विल और ईव नाम की औरत पर, जो विल होता है अपनी इस बेगम को बचाने के लिए भाई क्वारंटीन करता और एक अपार्टमेंट में रहते हैं। अब जो कि भाई हमें ईव नाम की औरत देखने मिलती है, वो कहती है कि मेरे को बाहर पब्लिक में जाने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो औरतें बची हैं उनके पीछे वहाँ की लोकल गवर्नमेंट वगैरह पड़ी हुई है। जो इसके बाद कहानी में क्या कुछ होगा उसी चीज़ को जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है। 1.5 घंटे के आसपास टाइम देना पड़ा है। देखो बॉस, इस मूवी में अगर तुम एक्सेप्ट करके जा रहे हो कि कुछ एक्शन देखने को मिलेगा या साइंस फिक्स से रिलेटेड कुछ अलग ही टाइप देखने को मिलेगा, तो ऐसा इस मूवी में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। थोड़ा बहुत आपको ठीक लगेगा इनका जो कि रिलेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद नहीं आने वाला। यानी कि इस मूवी का 90% से ज़्यादा स्क्रीन टाइम इन दो करेक्टर्स को ही दिया गया, बाकी तो तुम्हें कोई देखने को मिलता ही नहीं है। जब तुम 90% से ज़्यादा टाइम दो करेक्टर्स को देख रहे हो तो वो तुम्हें पसंद आने चाहिए और फिल्म को कैरी करके वो ले जाना चाहिए, लेकिन मेरे को इन दोनों की जो कि केमिस्ट्री है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और जो कि करेक्टर डेवलपमेंट है वो भी मेरे को जीरो टाइप फील होती। थोड़े बहुत इनके सीन्स पीछे दिखाए जाते हैं जब ये पैंडमिक टाइप फैलता है, लेकिन इसके अलावा इतना कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया जाता। बस इमोशनली इन दो करेक्टर्स को दिखाया गया है कि अब जो कि भाई ईवा नाम की औरत है, बाहर औरतें मर चुकी हैं, बहुत कम बची हैं, और बाहर वहाँ की लोकल भी पीछे पड़ी हुई है औरतों पर, फिर भी ये जिद कर रही है कि मेरे को पब्लिक में जाने का है, तुम मेरे को कंट्रोल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो वो देखने में तुम्हें इस करेक्टर की कोई समझ नहीं आने वाली कि यार ये क्यों कर रही है। तो ये वाली चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मासेज ऑडियंस के लिए ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मूवी तुम्हें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला कि कीमती टाइम अपना इस मूवी पर मत देना। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से 2 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं खत्म। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।